बात करेंगे अब खानपुर की, जहां पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने शिकारपुर में सरकारी भूमि पर बना मकान ध्वस्त कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में काफी लोगों ने स्वास्थ्य की भूमि पर पक्की भवनों का निर्माण कर रखा है। नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य ने कहा कि किसी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी कि शिकारपुर सरकारी भूमि पर मकान बना हुआ है। जीएम के निर्देश पर गुरुवार को राजस्व की टीम ने जेसीबी मशीन से सरकारी भूमि पर बने मकान को ध्वस्त करा दिया है। उक्त मकान में रहने वाले दंपत्ति का कहना है कि उनके पास रहने का कोई जगह नहीं बची है, जिसके चलते उन्हें और उनके चार बच्चों को अब खुले आसमान के रहने के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में काफ़ी लोगों ने शासकीय जमीनों पर पक्के निर्माणों का कार्य किया हुआ है। चुनावी रंजिश को लेकर भूमिहीन व्यक्ति का मकान तोड़ दिया गया और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाना चाहिए। नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य का कहना है कि लेखपाल से सभी अतिक्रमण की रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट मिलने पर गांव में सभी अतिक्रमण हटाया जाएगा। सताने वाली बात है, बस और कुछ नहीं है। लोगों की शिकायत करी भी, यूं पता नहीं पटवारी साहब से पूछा किसने शिकायत करी तो उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। अगर हम उन्होंने कोर्ट के आदेश दिखाने चाहे, हमारे पास आदेश है, हमने मुकदमा डाल रखा कोर्ट में, तो उन्होंने मुकदमा भी नहीं देखा, आदेश भी नहीं देखे, अपनी जबरदस्ती मनमानी से कराए काम, तानाशाही दिखाई। बस यहाँ तीनों जनों ना आको पटवारी, तो पटवारी तो मेरे पीछे इस तरह पड़ रहा है, जिस तरह मैंने उसकी भैंस खोल रखी हो। राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक क्षेत्र की रिपोर्ट ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई है कि सरकारी भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण करके जो है टीन सहित खोखा बनाया जाए, वो मकान आवाज बनाया जा रहा है, जिसको तोड़ने के लिए हम पहले भी आए थे, लेकिन उसने समय मांगा था कि हम खोल तोड़ स्वयं तोड़ देंगे, लेकिन उसने उसमें भी नहीं तोड़ा। इसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश हो रखे थे इस मकान को तोड़ना है, तो आज आकर के आपके सामने उसको ध्वस्त कर दिया। समय तो हमने उनको 2 दिन का दिया था, लेकिन हमारे पास सरकारी समय के कारण बेचारे यही तो जमीन थी, रहने की भी और खाने की भी। गरीब आदमी मजदूरी करो, आधा गांव हमारा ग्राम समाज में, आधे से भी 90%। अगर इसी गरीब का क्यों टूटा, हम ना तो उसका आदेश दिखाया गया किसकी शिकायत पर टूटा, ना ये बताया गया, कुछ भी नहीं। बस अपनी मनमानी करके पटवारी और कानू का साहब अपना कच चले गए। किस बात की मनमानी थी क्या?